नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रूस और यूक्रेन की तनातनी ने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया, जबकि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ने कई देशों को अब परेशान कर दिया। जबकि अमेरिका, फ्रांस और कुछ अन्य देश युद्ध टालने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अभी तक बात बनती नहीं दिख रही। वहीं अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो किसका पूरी दुनिया पर व्यापक असर पड़ेगा? इस तनातनी की उपज कैसे हुई और ये मुद्दा दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा, जानने के लिए देखिए प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन, रूस यूक्रेन में गहराया विवाद, रूस और पश्चिमी देशों के बीच फंसा यूक्रेन, नाटो का यूक्रेन को समर्थन, नाटो के समर्थन से घबराया रूस। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है, जबकि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के सैन्य जमावड़े को लेकर हाल के हफ्तों में और ज्यादा तनाव बढ़ा है, जिसकी एक बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो है। दरअसल यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के करीब जा रहा है और नाटो में शामिल होना चाहता है, जो शीत युद्ध के समय रूस के खिलाफ बना एक सैन्य गठबंधन है। रूस की चिंता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो नाटो के सैन्य ठिकाने बिल्कुल उसकी सीमा के पास आ जाएंगे। नाटो शब्द का जिक्र इस पूरे मामले में कई बार हुआ, तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर नाटो क्या है, जिसको लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का फुल फॉर्म उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो 30 देशों की सेनाओं का संगठन है, जिसमें कि सैन्य सहायता प्रदान की जाती है। इसमें एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग प्रदान की जाती है और हर एक परिस्थिति से निपटने का सख्त आदेश दिया जाता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। फिलहाल यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, जिसके बावजूद भी यूक्रेन के नाटो के साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन नाटो ने साफ तौर पर कहा है कि वो पूर्व सोवियत गणराज्य की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं इस मामले पर नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग भी रूस को चेतावनी दे चुके हैं। स्टोल्टनबर्ग ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस अगर यूक्रेन के खिलाफ किसी तरह की आक्रामकता दिखाता है अथवा सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब रूस के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इसमें एस्ट्रोनिया और लातविया जैसे देश हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है, समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सिर काट देना जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी।
अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये विवाद सिर्फ नाटो से ही उपजा है। गौरतलब है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ यानी कि पूर्व की तरफ इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसियों खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या भी अच्छी खासी है और ये लोग विकसित पूर्वी इलाके में ज्यादा मौजूद हैं। साल 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाया और यूक्रेन में मौजूद क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर डाला था और यहां मौजूद विद्रोही गुटों ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में हुए आंदोलनों के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रूस क्रीमिया का अपने साथ विलय कर चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों की खींचतान के बीच फंसा हुआ है। रूस के लिए यूक्रेन बेहद खास है क्योंकि अतीत में सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों का है। सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की एक बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ खोने और पश्चिमी देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी रूस के लिए यूक्रेन महत्वपूर्ण है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनते हुए देखना नहीं चाहता है। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो ये सुरक्षा संगठन रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। वास्तव में अगर युद्ध होता है तो ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं बल्कि कई देशों के बीच होगा। यही वजह है कि पश्चिमी देशों ने भी यूक्रेन पर हमला करने से रोकने के लिए रूस को धमकी दी। लेकिन अगर रूस इन चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो रूस के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना ठप पड़ जाएगी। इससे रूस की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी। वहीं इस युद्ध को लेकर जहां अमेरिका भले ही अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे रहा हो, नाटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि रूस से सीधे टक्कर को अमेरिका अभी तैयार नहीं है। बात सिर्फ तैयारी और खर्च की भी नहीं है, बात तकनीक की भी है। दरअसल अमेरिका 30 देशों वाले नाटो सेना के गठबंधन का सरबराह है, मगर यूक्रेन फिलहाल नाटो देशों का सदस्य नहीं है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग होती है तो अमेरिका नाटो के नाम पर कम से कम रूस से जंग नहीं कर सकता। यूक्रेन और रूस के रिश्ते को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन
पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता दो गुटों में बंट गए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। हमारे खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की और बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।